everyone, welcome or welcome back to my channel. This side one and I hope you all are safe and doing it. So, अगर आपने ये चेहरा पहली बार देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और आज का वीडियो होने वाला है एक ब्लॉग में, ब्लॉग शूट करने वाली हूँ जो कि हम जा रहे हैं मेला घूमने. और मेला में अकेले नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे एक और जन जो मेला देखने जा रहा है तो मैं आपको इससे भी मिलवाती हूँ. ये है मेरी बहना श्री, इनका नाम है अंजलि, ये मेरी बड़ी दीदी है. तो आप अपना मास्क उतार दीजिए, अपना थोड़ा मुखड़ा दिखाइए इनको. ये मेरी बड़ी दीदी है जो कि शक्ल तो मिलता है नहीं पर मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ये मानने की बात है. ठीक है, तो आज अभी बज रही, कितना बज रहा दीदी? तो अभी बज रहे हैं 4, तो हम जाएंगे रानीगंज मेला घूमने जो कि है, कौन सा मेला है? पीर बाबा का मेला. पीर बाबा का मेला है तो वो हम जा रहे घूमने. तो वो आज सब हमको दिखाऊंगी एंड आपको ब्लॉग कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप प्लीज देखना. मेला में तो ये सब कंपलसरी है, ये वाला खाजा वाजा जो भी हो. फाइनली हम मेला में एंटर कर चुके हैं और दीदी को देखो, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, इतना ट्रैफिक के बता नहीं सकते, इतना ज्यादा भीड़ है. तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं. दीदी कुछ बोलना चाहोगी? और अगर आप रानीगंज से हो तो आपको इस मेले के बारे में तो बिल्कुल ही पता होगा कि इतना भीड़ यहाँ पे होता है. और मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ, भगवान इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा ट्रैफिक क्योंकि मैं बता नहीं सकती. अभी रुको, मैं आपको दिखाती हूँ. एंड ये है मज़ार. तो यहाँ पे मज़ार में उर्दू में क्या लिखा हुआ है किसको पता है? जिसको उर्दू पढ़ना आता होगा वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि लिखा क्या हुआ. दीदी आपको पढ़ने आता है? उसके नीचे हिंदी भी लिखा हुआ है. तो पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, बोलिए क्या लिखा हुआ है.
ठीक है, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कौन सा लोग है? कौन सा? अच्छा से आओ, अच्छा से आओ। हेलो। अच्छा एक तो दो मेरे को, एक दो। एक दो ये वाला कितने का? कितने का? अच्छा 10 रुपए तो इसको। बाय बाय। हेलो मम्मी, वो बच्चा इतना प्यारा था कि क्या बोले, लेना ही पड़ेगा, तो मुझे लेना पड़ा ये बलून लिया मैंने। और दीदी को पहली बार ब्लॉगिंग करना पड़ रहा है, वैसे तो मैं भी पहली बार ही कर रही थी, पर दीदी को पापड़ लाना मिला है इतने सारे भीड़ में, तो पीछे दिखाओ दीदी इतना चश्मा ट्राई कर रही है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मेरे को भी दो, पानी ले लो। तो हम लोग कुछ का भी खा लिया, तो हम लोग जा रहे घर। घर कहाँ जा रहे हम लोग? इतना जल्दी खा कहाँ जा रहे हम लोग? तो हम लोग कुछ का भी हम यहाँ पे खा लिया, दीदी खाई, मेरे को बस एक पीस दी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो हम मेले से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर, और रात भी काफी हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं अपने घर। पहले उससे पहले सबसे पहले कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए, तो वो अभी आपके साथ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है जलेबी, क्योंकि मम्मी बोली थी कि स्पेशली लेकर आना मेरे लिए, क्योंकि मम्मी नहीं आई, तो मम्मी का फेवरेट है जलेबी, तो मम्मी बोली कि मेरे को इस जलेबी एकदम स्पेशली लेकर आना, तो मम्मी के लिए हम जलेबी लेकर जा रहे हैं घर। सो गाइज, मैं वापस घर आ चुकी हूँ, और यहाँ होता है हमारा ब्लॉग कंप्लीट। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30। तो मैंने मेला में से क्या क्या लिया मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वेट। तो मैंने ये कलरफुल इयररिंग्स ली, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। इसको मैंने इसलिए लिया कि ये कलरफुल है, किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा, कुर्ती के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, एंड बहुत ही यूनिक डिज़ाइन इसका है, तो ही मैंने इसे लिया। एंड ये मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ में पड़ा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसको लिया।
और दूसरी ईयरिंग मैंने ये वाली ली है, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसे लिया। ये भी 30 रुपीज़ में पड़ी थी मुझे, एंड इतने कम प्राइस में इतना सुंदर ईयरिंग्स वहाँ मिल रहा था ना, इसलिए मैंने दो दो ईयरिंग्स लिए और मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो ही मैंने इसे लिया। तो बस मैंने ये दो ईयरिंग्स लिए एंड मैंने वो बलून लिया जो आपकी आपने देखा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया, और बिल्कुल भी जज मत करना क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अपनी तरह से मैंने अपनी पूरा 100% दिया है इसमें। तो अगर आपको ऐसा भी लगा हो, अगर अच्छा लगा हो, जो भी लगा हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।